अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। बस ये सुबह के 6 बज रहे हैं तो मैं आज जो है रहा कि पापा आए बारिश में, वो पूरे भीगे हुए थे। ऑफिस जाने के टाइम और आने के टाइम हमेशा जो है बारिश हो जाती है। उन्होंने काफ़ी वेट किया, फिर बारिश नहीं रुकी तो फिर आ गए। तो फिर मैं उनके लिए स्लाइसिस बना रही थी ब्रेड के, एग ले लिया था और मिल्क ऐड किया, शुगर ऐड किए। मैंने कहा चलो उनको अच्छी सी जो है ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। ये देख सकते हैं बादल बहुत अच्छे आए हुए थे, मौसम बहुत सही, ठंडा ठंडा मौसम हुआ था आजकल माशाल्लाह से, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। रात जो है काफ़ी ठंडी होती है, बारिश जो है पूरी रात होती रहती है। फिर बस यहाँ पर मैंने उनके लिए स्लाइसेस जल्दी जल्दी रेडी किए, थोड़ा सा ब्राउन करना पड़ता है ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो साथ में मैंने एक कप मिल्क दे दिया क्योंकि सुबह सुबह चाय पी के फिर उन्होंने सोना ही था, तो मिल्क जो है मैंने कहा दे देती हूँ, से नींद भी अच्छी आएगी। तो बस मैंने उनके लिए दूध गर्म किया और उसमें शुगर ऐड की, तो उनको नाश्ता दिया। और रायहा देखे मज़े से सोई हुई थी, अंगूठा रायहा के मुंह में है और सोती ऐसी है कि मुझे भी बेड पे जगह नहीं मिलती, बिल्कुल कॉर्नर पे मुझे जगह मिलती है, पूरे बेड पे जो है ना रायहा बेगम सोई हुई होती है। नाश्ता वगैरह कर लिया उन्होंने, फिर ये देख सकते हैं आप, रायहा ने इतनी स्पेस ली हुई है कि हमारी जगह ही नहीं है कि हम कहाँ सोएं। इतनी महारानी जो है ना, मेरी शहजादी, पूरे बेड पे फैल के सोई होती है पूरा रात। इसका यही काम होता है, मैं बिल्कुल एक कॉर्नर पे होती हूँ और ये जो है ना पूरी रात घूमती रहती है। फिर बस हम सो गए, फिर उठ के 11 बजे, आज शुक्र है रायहा भी सोई रही, तो फिर 11 बजे उठे। फिर मैंने रायहा को ब्रेड के स्लाइसिस बना के दिए, कैरमल उसके अंदर क्रीम लगाई और ख़ुद मैंने आज अंडा पराठा बनाया। मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो नाश्ता भी अच्छा सा कर लेते हैं, भूख भी लगी हुई थी। फिर ब्रेड अंडा पराठा खाया, रायहा भी यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस मज़े से खा रही थी। तो बस मज़े से खा लेती है, शुक्र है जो चीज़ उसको पसंद हो वो खा लेती है, जो ना पसंद हो फिर नहीं खाती। तो फिर भूख लगी होती है सुबह सुबह बच्चों को भी, तो ब्रेकफास्ट किया। फिर फ्राइडे था, मैंने शावर वगैरह दिया रायहा को, फिर तैयार किया। फिर मैं यहाँ पर भी खुद भी शावर वगैरह ले गई, काम शाम फिनिश करके नमाज़ पढ़ी थी। फिर नमाज़ पढ़ो तो फिर इसका ही होता है कि ये साथ साथ मेरे ऊपर, कभी मैं सजदा करूँगी तो मेरे ऊपर आ जाएगी, तो मैंने इसको साथ ही अपने जाए नमाज बिछा दी ताकि ये अपनी जो है ना उधर बैठ के कुछ करती रहे, मेरी तरफ ना आए। लेकिन इसने जो इसके काम, अभी तो ये अपनी जाए नमाज पे घूम रही है, लेकिन जब मैं पढ़ना स्टार्ट हुई फिर ये मेरे आगे आके बैठ गई। तो यहाँ पर ये खेल रही थी, दुपट्टा माशाल्लाह कर लेती है, अब सुबह से इसने किया हुआ दुपट्टा गले से उतारा नहीं है, सो ये सो भी इसके गले में ही था। तो आज भी बस कोई ख़ास कुकिंग वगैरह नहीं की, ब्रेकफास्ट ही बनाया था। फिर बाबा रायहा के बाबा उठे, उनको खाना वगैरह दिया। तो ये देख सकते हैं अब मैं बैठ के जब नमाज पढ़ी, फर्ज मैंने पढ़ लिया, मैं दुआ करने लगी तो ये मेरे सामने आके जो है ना लेट गई। इतनी शरारतें करती हैं और मज़े की भी लगती हैं छोटे बच्चों की शरारतें, मुझे तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते। तो अब ये मस्तियाँ करती अच्छी लगती है, और कभी कभी अब इसको मार भी पड़ जाती क्योंकि बहुत ये जब तंग करती है ना गुस्सा आता है, फिर इसको मार भी पड़ जाती है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं पड़ती क्योंकि फिर इसको पड़े तो इसके बाबा फिर मुझे डांटेंगे, तो थोड़ी सी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा काम करती है। फिर मैंने कहा चलो तुम लेट जाओ, फिर मैं तस्वीर वगैरह पढ़ी थी तो ये मेरे आगे लेट ही रही। तो मस्तियाँ और आवाज़ें निकाल रही और इन्जॉय करी, बाबा बाबा एक ही आवाज़ है बाबा। और फिर जी हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं तो सो गई थी, फिर जो है अपने चाचू के साथ बाहर चली गई तो मैं सो गई। अब ये देखें शरारतें करिए, ये इसने तोड़ दिया, अब ये जान के मुझे दिखाने के लिए बुलाती है कि मामा मुझे डांटेंगी, फिर मैं जब छोड़ डालती हूँ फिर छोड़ देती है। बस मस्तियाँ बड़ी हो रही है तो बहुत शरारतें करना इसने स्टार्ट की हुई हैं, बस पूरा दिन बस उठ जाओ फिर इसके साथ ही लगे रहो, रायहा ये ना करो रायहा ये ना करो। और अभी भी जाए मास घूम रही है, बस ये देखें कभी इधर से कोई चीज़ पकड़ के स्टार्ट हो जाती है, कभी किधर से कभी क्या कभी क्या। तो शुक्र है आजकल मौसम अच्छा है तो जो है इतनी गर्मी नहीं है, किचन में जाओ तो थोड़ी सी हो जाती है गर्मी, लेकिन बारिशें हो रही हैं तो मौसम अच्छा हुआ है। आज 9 मुहर्रम थी, लोगों ने बाहर जो है न्याज वगैरह बांटी है, इंशाल्लाह कल मैं भी बना के कुछ बांटूँगी खीर वगैरह। तो बस फिर हम लोग रायहा के बाबा ऑफिस चले गए हम थोड़ी देर के लिए, फिर आज जो अपने नेबर्स में गए थे तो वहाँ से वो होकर आए, तो ये रायहा के बाबा ने चाचू सॉरी
पिज़्ज़ा लेकर आए हुए थे, पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था। फिर मैं रायहा के लिए कस्टर्ड बना रही थी, मैंने कहा चलो आज फ्रूट्स हैं तो रायहा को कस्टर्ड बना के उसमें फ्रूट्स ऐड करके देती हूँ तो रायहा खा लेगी। लेकिन रायहा ने आज भी बहुत तंग किया, इसने एक स्पून तक नहीं ली इसकी। इवन कि मैंने इसमें बनाना ऐड किए, ग्रेप्स ऐड किए, लेकिन रायहा ने नहीं खाया। मैं इतना शौक से बनाया, मैंने कहा इसको खिलाऊंगी, आज कोई राइस वगैरह नहीं है तो फिर इसको मैंने सलांटी दी थी। मैंने कहा टीवी देखो मैं बना कर आती हूँ, आजकल इसने टॉम एंड जेरी देखना स्टार्ट किया। एक तो ये जो एड्स आ जाते हैं बच्चे कैसे इसको स्किप करें, तो बस फिर इसको मैंने टॉम एंड जेरी लगा के दिए हुए थे और ख़ुद भी। फिर मैंने जब कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया, फिर मैंने खुद पिज़्ज़ा खाया। अब ये देख सकते हैं इसको मैं कस्टर्ड खिला रही थी और इसने नहीं खाया, बहुत तंग करती है। मैं शायद मीठा मुझे भी इतना पसंद नहीं है, शायद इस वजह से इसको भी मीठा पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ मीठी हो, खीर बना दो, कुछ भी, ये खाती नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती की, इसने कपड़ों पे भी गंदा कर लिया लेकिन इसने नहीं खाया। बनाना भी दिया तो लेकिन कस्टर्ड के टेस्ट की वजह से इसने बनाना भी नहीं खाया। मीठे से शायद मुझे नहीं पसंद, तो शायद ये भी इसलिए इसने भी खाना जो है आजकल छोड़ा हुआ है मीठा। बाकी चीज़ें चावल दही बाकी चीज़ें शौक से खा लेती है, लेकिन मीठा पता नहीं क्यों नहीं खा रही। तो बस इसने नहीं खाया, मैंने रख दिया वापस, मजबूरन मुझे थोड़ा खाना पड़ा। मुझे खुद मीठा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा खाया। मैंने कहा सुबह इसके बाबा आएंगे तो फिर उनको दे दूँगी। फिर मैंने रख दिया, ज़बरदस्ती नहीं की कि कितना ज़बरदस्ती करूँ, इधर उधर भिलाया भी लेकिन इसने नहीं खाया। फिर मुझे ये होता है कि ये भूख ही ना, इसको भूख ना लगे रात को, इसका पेट तो मैंने इसने शौक से बनाया था, चलो खाएगी तो इसका पेट ज़रा फुल रहेगा, लेकिन इसने नहीं खाया। फिर मैंने कहा नहीं खाना तो फिर ना खाओ, मैं अब नहीं कुछ कर सकती। फिर मैंने खुद खाना खाया, फिर मेरे साथ मैंने इसको अपने साथ नवाले दिए रोटी के। फिर रोटी माशाल्लाह शुक्र है खा लेती है शौक से। फिर इसने रोटी खाई, साथ साथ चौमिन जारी चल रहे थे। बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। और ये हमारी शादी की पिक्चर है, अब ये रायहा को नज़र आ गई है, अब ये रोज़ इसको उठा के बैठ जाती है और बाबा बाबा करती रहती है। बस ये यूं ही पिक्चर देख रही थी। अब बस आज आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।